I saw this activity. I found it so amazing. It was just absolutely fabulous for me, right? That no matter which square you take in a calendar, no matter which one, and you are showing, seeing this animation, right? That 1 and 9 is 10, 8 plus 2 is 10. 11, 19 is 30, 18 and 12 is 30. Koi bhi le lijiye, ye le lijiye. 6 plus 14 is 20, 13 plus 7 is 20. 28 plus 22, 40, 21 plus 29, 40. कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर नंबर ले लीजिए. अच्छा, दो का क्यों, तीन का ले लीजिए. चलिए तीन का ले लेते हैं. 3 प्लस 11 प्लस 19, 33. 17 प्लस 11 प्लस 5 कर लीजिए 33. सो एज यू कैन सी यहां पर भी कि 7, 15, 23 अगर जोड़ेंगे सब 45, सब कुछ 45 आएगा. और मजेदार बात क्या है, जस्ट लाइक जस्ट स्टॉप हियर, 15 इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज डायगोनल्स. 15 इज द एवरेज. वाई 3 प्लस 11 प्लस 19 इज कितना आया था हमारा, 33. वाई दीज नंबर्स, कैन समबडी एक्सप्लेन वाई दिस इज अ मैजिक स्क्वायर. कोई समझा सकता है कि ये मैजिक स्क्वायर ये वाला क्यों है, क्यों इसके सारे ऐसे जोड़े ऐसे जोड़े, तो ये सब सेम आते हैं, क्यों आते हैं. लेट्स से वी टेक दिस मैट्रिक्स एंड अज्यूमिंग दिस इज द सेंटर नंबर, राइट. देखो ऊपर वाला अंक जितना उसके ऊपर है, 3 और 11 में 8 का फर्क, और 11 और 19 में भी 8 का फर्क. दो तरीकों से करके दिखाएंगे, ठीक है. अब 3 की जगह हमने 4 लिख दिया और 19 की जगह 18 लिख दिया, एक ही तो बात हो गई. 3 से 1 आगे चले गए और 19 से 1 पीछे चले गए, तो जोड़ तो सेम ही आएगा. यस सर. फिर 4 से 1 5 में चले गए और 18 से 17 में चले गए, फिर भी सेम आएगा. यस सर. अब 3 से 10 में चले गए और 19 से 12 में चले गए, 7 ऊपर और 7 नीचे, वो भी सेम आएगा. कैलेंडर में होता क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, इफ यू मूव राइट यू गो प्लस 1, इफ यू गो डाउन यू गो प्लस 7. दैट इज हाउ द कैलेंडर मूव, राइट में प्लस 1, डाउन में प्लस 7. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस दैट राइट में जाते हैं तो एक बढ़ जाता है, और लेफ्ट में जाते हैं लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस 1 हो जाता है, नीचे जाते हैं तो प्लस 7 हो जाता है, ऊपर जाते हैं तो माइनस 7 हो जाता है. इसी तरह से दूसरा तरीका जो राकेश ने समझाया वो ये कि भाई अगर 11 बीच का अंक है और कोई भी तीन नंबर एपी के हैं, ए बी और सी, तो अगर ये एपी में है, मतलब एपी का मतलब क्या होता है कि जितना इन दोनों में फर्क है उतना ही बी और सी में फर्क है. हाउएवर मच बिगर बी इज फ्रॉम ए, दैट मच मोर इज सी इज फ्रॉम बी. द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए एंड सी एंड डी इज सेम, देन इट्स इन एपी. सो देन इफ ए बी सी आर इन एपी, ए इज विल बी द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स. एंड व्हाट इट ऑल्सो मीन्स इज दैट any three numbers with B as the middle number, their total will always be same. Because you can write the center number, let's say, as B. So this number, let's say, is B plus some 6. So the left number will be B minus 6. And if the left number is B plus, let's say, 8, this number will be B minus 8. Yehi yahan par ho rahi hai. If B is my 11, 11, then 3 is B minus 8. And 19 is B plus 8. And similarly, 11 minus 6 is 5, and 11 plus 6 is 17. That is another way of looking at this magic squares. अभी तक तो हम square की बात कर रहे थे, तो उसमें बीच का एक अंक होता था. Now, even if you take a rectangle, even then, the it is magical rectangle. Let me show you. 12 plus 7 is 19. 14 plus 5, 19. 13 plus 6. अब कोई समझाएगा ये क्यों हो गया, इसमें तो बीच का अंक भी नहीं है. 15 में 1 जोड़ दिया तो 16, और 14 में 1 कम कर दिया तो 13, तो सेम ही टोटल आना पड़ेगा. इसी तरह 6 में 1 और जोड़ दिया तो 7 आ गए, और 13 में 1 और कम कर दिया तो 12 आ गए, तो इसका टोटल भी सेम आएगा. ये सबके टोटल सेम आ जाएंगे. और इसका बीच का अंक क्या होगा, ऑफकोर्स 14 प्लस 5 बाई 2. बीच का अंक दिखेगा नहीं, वो जो भी होगा 19 बटे 2. इवन इन दिस रेक्टेंगल 20 और 10 30, 17 और 13 30, 18 और 12 30, और 19 और 11 30.
ये नहीं कर सकते, ये ऐसे रेक्टेंगल ले लिया और ऊपर नीचे लाइन कर दी तो ये नहीं होगा, क्यों? दोनों में दो दो का फर्क आ जाएगा, 14 से एक आगे बढ़ के 15 और 21 से भी एक आगे बढ़ के 15, एक बढ़े तो दूसरा घटना पड़ेगा, इसलिए तिरछी लाइनें बननी पड़ेंगी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई सॉ इन द कैलेंडर। इन कैलेंडर ड्रॉ एनी लाइन एंड इफ द नंबर पासिस व्हाटएवर नंबर पासिस दे विल ऑल बी इन एपी। मतलब ये सीधी लाइन खींच दी, ये सारे नंबर एपी में है। All right. Please ensure that 1, 7, 13, 19, 25, 31 will be in arithmetic progression. This arithmetic progression. This. Everything in is arithmetic progression. Doesn't matter. ये भी arithmetic progression है. तो है. Okay. एक ये वाली line तो मैंने खींच दी arithmetic progression. But ये वाली line जो और तिरछी है ये भी है. मतलब 26, 21 एंड 16, दे आर ऑल्सो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट व्हाट इट मीन्स इज दैट यू आर बेसिकली गोइंग 7 एंड 1, 7 एंड 1, 7 एंड 1, सो ये सब 6, 6 का हो जाएगा। तो कैसी भी लाइन खींच दीजिए, अगर आपने मान लीजिए ये वाली लाइन खींची 24 के बाद, 19 के बाद, 14 के बाद 9, अब ये क्यों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? 24 से 26 तक गए तो प्लस 2 हो गया, 26 से ऊपर जाएंगे तो माइनस 7 हो गया, विच मीन्स माइनस 7, सो फ्रॉम 24 टू 19 माइनस 5, 19 टू माइनस 5 14, एंड 14 माइनस 5 इज 9, दिस विल ऑल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड फॉल इन अ लाइन। तो मतलब क्या कहने का है, कैलेंडर में कोई भी लाइन खींच दीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। सर एक चीज बताइए, वो जो 3x3 मैट्रिक्स कंसीडर किया, हाँ, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हमको अभी देखने के मिल रहा है, जब डायगोनल डायगोनल ऑड नंबर आ रहा है तो उसका दोनों एंड पॉइंट भी ऑड ही हो रहा है डायगोनल में, और जब जब इवन नंबर आ रहा है उसका एंड पॉइंट में दोनों साइड का सभी इवन नंबर ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, कैन समबडी वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, सी इफ यू स्टार्ट प्लेइंग यू विल गेट योर ओन ऑब्जर्वेशन। ही इज सेइंग दैट इफ द मिडिल पॉइंट इज ऑड देन ऑल द कॉर्नर्स are odd, and if the middle point is even, undo kar deta hun. If the middle point is even, like in the red one, isme middle point kya hai 14, to isme sare corners even. Kyun hai? Koi samjha dega? Ek minute mein bata de. Sir, agar middle number hamara odd hai, to jo corner honge, wo sare at a difference of 6 honge. आप साथ साथ जोड़ते जा रहे हैं, तो पहली बार साथ जोड़ेंगे तो ऑड आ जाएगा, लेकिन दूसरी बार साथ जोड़ेंगे तो ऑड में तो इवन हो जाएगा। सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ कोर्स। 9 14 और 19, 9 14 और 19 और 24, 24 यदि हम इसको लाइन वाइज देखें और हर बॉक्स को 1 यूनिट माने, हां हां, तो ये रूट 5 डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 ऑफ कोर्स, यस, व्हाट ही सेइंग इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज रूट 5, ये 2 है और ये 1 है, तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर व्हिच इज रूट 5, दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग एन एपी। हां मतलब करेक्ट करेक्ट, एपी तो रूट 5 तक जाने की जरूरत नहीं है, एपी तो इसलिए फॉर्म कर रहा है कि आप दोनों के डिफरेंस में क्या कर रहे हैं, दो बार जितना, जैसे घोड़े की चाल है ना, घोड़ा दो इधर जाता है फिर ऊपर जाता है, दैट यू गो 2 ऑन द राइट एंड 1 ऑन द टॉप, एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, बिकॉज राइट की वैल्यू क्या है, राइट जाने के लिए प्लस 1 होता है, ऊपर जाने के लिए माइनस 7 होता है, तो इसलिए हमेशा ऐसे जाएंगे तो प्लस 5 होता है। अगर मान लीजिए अब हमें कोई बोले कि इस पूरी लाइन के नंबर्स का जोड़ बताइए, ऑफ कोर्स यू कैन ऐड 8 प्लस 1 9 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, यू कैन ऑल्सो से देर आर 5 नंबर्स, दे आर इन एपी, मिडिल नंबर इज 5, सो आंसर मस्ट बी 15 टाइम्स 5। किसी भी लाइन में सारे नंबर एपी में होते हैं, मतलब समानांतर दूरी है, समानांतर श्रेणी, दे आर ऑल increasing in the same number, so this number must be the average,
which means one जितना 15 से कम है 29 उतना ही ज्यादा है. Therefore 15 is the average number and therefore 15 times 5 must be the sum. 4, 11, 18, 25. अब क्या करें, इसमें कोई बीच का नंबर तो नहीं है, क्या कर सकते हैं? मीडियन, मीडियन निकाल. या फिर गॉस की कहानी सुन लीजिए. गॉस ने क्या करा, 25 और 4 29, 18 और 11 29, तो पेयर्स आ जाएंगे. फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n. आपको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखाना है तो आप क्या कहेंगे, बच्चों आज हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखाएंगे और n इसका फॉर्मूला होता है n और n प्लस 1 बाय 2. अगर आपके पास n नंबर्स हैं और उनका जोड़ निकालना है तो n की वैल्यू उसमें डाल दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा. आई थिंक इन माई ओपिनियन दैट इज नाउ इन माई ओपिनियन ऑफकोर्स ऐसे नहीं करना चाहिए. आप पहले पूरी रामायण पढ़ा दीजिए ना, उसके बाद पूछिए सीता किसका बाप था, है ना. लेकिन सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लेट्स गो अहेड एंड डू दिस कैलेंडर एक्टिविटी एंड देन द फॉर्मूला विल ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ इटसेल्फ. फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाएगा. ये n और n प्लस 1 बाय 2 कहां से आया, ये गॉस की कहानी से आ जाता है. अगर इवन नंबर्स हैं तो एवरेज क्या होगा, n n प्लस 1 बाय 2, राइट. और अगर ऑड नंबर्स हैं और कितने हैं उस तरह से. You see what I'm saying, right? There is a reason why n times n plus 1 by 2 आया. वो किस लिए आया? कि भाई आपने average लिया हुआ है. अगर n numbers हैं, तो कितने pairs बनेंगे? n by 2 pairs बनेंगे. Average n plus 1 होगा. उस तरह से आया. आप एक बार calendar की activity करा दीजिए. वहाँ से अगर आप n निकाल निकाल कर डालेंगे, तो formula अपने आप आ जाएगा. Formula के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं है. पीछे के सिद्धांत के ऊपर जोर. So if we can understand the concept behind that, then it becomes, and the most interesting thing is, इसके लिए आपको कोई सामान नहीं खरीदना पड़ा. कैलेंडर पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल भी हो गया, वो कागज का कुछ इस्तेमाल हो गया. और देखिए आज हमने 2 घंटे की क्लास करी पूरी कैलेंडर के ऊपर, तो आपके 2-3 पीरियड्स तो आराम से लग गए और कितने सारी चीजें कवर हुई. मैजिक स्क्वायर दिस दैट. अब बच्चा कभी भी कैलेंडर देखेगा तो दुखी नहीं होगा अगर उस दिन स्कूल भी जाना हो. पता नहीं क्या क्या चीज देख के नए नए पैटर्न्स निकाल कर ला सकते. The kids in our class, the girls in our class will look at the calendar and not say, oh, also kyun jana pad raha hai school, pata nahi dukhi honge. They will look at the calendar in a different light. Alag tarike se cheeze samajh aayengi, jis tarah se Einstein clock, ab koi ghadi aapne agar laga di jisme dono suiyan barabar hain, to aapko samay dhang se nahi dikhega, aapko usme Einstein dikhega. Aapko usme alag alag cheeze dikhai dengi, because aapko ek naya drishtikon mil gaya hai. Now you have a different colored glasses out of which you are, you know, viewing the world. Otherwise, we are viewing the world from a normal x plus y plus z lens, or a very mathematical lens which we have been taught with, right? Let's look at it in a different manner. You have to start exploring these small activities in a manner, and different insights will come.